कैसा रहा आपका आसानी से सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसी रही इनकी सर्विसेज? सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी जी, बहुत सहूलत हुई हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगे आप, आसानी से गई थी उम्रा के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। कैसी रही सानी की सर्विसेज? बहुत अच्छी रही, अच्छी रही। हम सानी टूर से गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुविधा दी उन्होंने, हर एक चीज़ का बताया, हर एक चीज़ बताया लेकर गए। खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरा 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 जो जो बताया और उससे एक्स्ट्रा बताया, बदर भी लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सहूलतें थी, मक्के में भी होटल नज़दीक थी, मदीने में भी नज़दीक थी, खाने का इंतज़ाम भी अच्छा था। बहुत अच्छा सफ़र रहा सानी इंटरप्राइज के, और से बहुत अच्छी सर्विस मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का और मदीने में काफ़ी अच्छी करीब करीब होटल मिली, जितने वादे उन्होंने किए हमको तो लगता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पूरे किए, जो यहाँ पर बोला था उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस दिखाए। थैंक यू। अभी तो मक्का और मदीना में इतना रश है, ऐसा लग रहा है रमज़ानुल मुबारक है, और हर तरफ रश है, हर रास्ते पर रश है, और करीब होने की वजह से हमको किसी का अभी तक फ़ोन नहीं आया कि भाई हम फला जगह भटक गए, फला जगह रह गए। तो ये सहूलतें होती है करीब होने की। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए उमरा ज़ायरीन बस आने के लिए तैयार है, हम खड़े हैं एयरपोर्ट पे। सानी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स का जो उमरा काफिला था बस, वो यहां पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि सानी इंटरनेशनल से उमरा ज़ायरीन के 50 लोगों का काफिला जा चुका है और 40 लोगों का काफिला जो है वो आने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए फीडबैक लेते हैं सानी का और जानते हैं कि सानी वालों ने क्या क्या ये लोगों के साथ जो वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं, क्या ये लोगों की इन्होंने वाकई में खिदमत की है। आइए जानते हैं, फीडबैक लेते हैं लोगों से। कैसा रहा आपका सानी से सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसी रही इनकी सर्विसेज? सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी जी, बहुत सहूलत हुई हम लोगों को। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, सानी से गई थी उमरा के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विसेज थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कैसी रही सानी की सर्विसेज? बहुत अच्छी रही, अच्छी रही। हाँ क्या बोलने को? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सानी टूर से गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सुविधा दी उन्होंने, हर एक चीज़ का बताया, हर एक चीज़ बताया लेकर गए। खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है, हर चीज़ जो बोले वो मंगा कर भी देते, बुज़ुर्गों का भी अच्छा ख्याल रखते। जितने वादे करे वो खरे उतरे वादे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरा 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 जो जो बताया और उससे एक्स्ट्रा बताया, बदर भी लेकर गए अल्हम्दुलिल्लाह। सानी इंटरनेशनल से आप उमरा के लिए गए थे, आपका सफ़र कैसा? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी सहूलतें थी, मक्के में भी होटल नज़दीक थी, मदीने में भी नज़दीक थी, खाने का इंतज़ाम भी अच्छा था और सारी सहूलतें थी। शकील साहब साथ में थे, कोई मसला ही नहीं था। शकील सर जैसे कि एज अ ग्रुप लीडर जाते हैं, कैसी रहती है उनकी सर्विस? बहुत अच्छी रहती है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, आलिम इंसान है, बहुत सहूलत होती है। थैंक यू। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सफ़र रहा सानी इंटरप्राइज के, और से बहुत अच्छी सर्विस मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का और मदीने में काफ़ी अच्छी करीब करीब होटल मिली, खाने में वगैरह में बहुत ध्यान रखा गया, और हमारे शकील मौलाना ने भी बहुत पूरे ग्रुप का ध्यान रखा, पूरे ग्रुप को लेकर चला अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी सर्विस हमने पहली बार देखी। जितने वादे उन्होंने किए हमको तो लगता है अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने पूरे किए, जो यहाँ पर बोला था उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस दिखाए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, एज अ ग्रुप लीडर आप हर बार सानी से जाते हैं और लोगों से आपकी मुँह की वाकई में तारीफ सुनी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ग्रुप के शक्ल में नहीं जाते, यहाँ से लगता है ग्रुप की शक्ल में, वहाँ हम एक फैमिली की तरह रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़ा बुजुर्ग एक रिश्ते भी बन जाते हैं, जैसे किसी को मामू का दर्जा, किसी को चाचा, किसी को अपने वालिद और नाना की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ग्रुप की शक्ल में नहीं, रिश्तेदारों की शक्ल में, एक फैमिली की शक्ल में होता है ना, तो हर दर्द को अपना दर्द समझता, हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ समझता, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता हर मामले में। नौजवान ये नहीं सोचता कि मैं तन्हा आया हूँ, वो अपने बड़ों की ऐसी खिदमत करता जैसे फैमिली मेम्बर की खिदमत करता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई तकलीफ़ ही नहीं आती। और जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको जाहिर सी बात है वक्त पर खाना और ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय दुआएं के हमारे साथ बुज़ुर्ग थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप ख़ुद उनसे पूछिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कैसा रहा,
और एक कोशिश ये, अभी तो मक्का और मदीना में इतना रश है ऐसा लग रहा है रमज़ानुल मुबारक है, और हर तरफ रश है, हर रास्ते पर रश है, और करीब होने की वजह से हमको किसी का अभी तक फ़ोन नहीं आया कि भाई हम फला जगह भटक गए, फला जगह रह गए। तो ये सहूलतें होती है करीब होने की। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक हम ही एक वाहिद है जो ऐसा काम कर रहे, हमारी एक कोशिश है बस। अल्लाह पाक से आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें इसमें इखलास दे, इस्तेकामत दे, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उम्मत के लिए भी दुआएं की गई, कौम के लिए भी दुआएं की गई, और यहाँ तक कि अपने मुल्क के हिंदुस्तान के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह सर, लास्ट टाइम जब कि आप ग्रुप लीडर नहीं गए थे, लेकिन वहाँ के हाजियों से पता चला कि आप दो दिन के लिए ज़ियारतें कराने के लिए गए थे खासतौर पर। नहीं, वो असल में वो अटैचमेंट ऐसा होता, दिल्ली एक ऐसा था, सबकी ख्वाहिश थी कि आप आ जाओ। मेरे लिए थोड़ा जाना इसलिए मुश्किल था कि इधर एक समझो ग्रुप एज द फैमिली जैसा मैंने कहा, उसको छोड़ के उधर जाना थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन सबने कहा कि नहीं आप चले जाओ, कोई मसला नहीं रहेगा। सबने कहा कि आप अगर चले जाते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उतनी देर तक हम कवर कर सकते हैं। तो उनको उनके परमिशन के साथ, गोया के एक मशवरे के साथ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गया मदीना में ज़्यारतों के लिए, और उनकी तमन्ना थी कि मैं ज़्यारतें करूँ। हालाँकि अपना कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई सारी चीज़ें एक तारीखी चीज़ रहती, और कई लोग ऐसे होते हैं उसमें जो लाइफ में पहली मरतबा आते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सुना कुछ था लेकिन दिखता कुछ है तो समझ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए एक थ्योरी रहती, एक प्रैक्टिकल रहता, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर जो उनको समझाया जाता, सबसे अहम बात क्या होती है, हाजी वहाँ पर सुनने के लिए तैयार है, बस वो चाहता है कि सही बात हमको मिले। इसलिए हम एक कोशिश करते हैं, और उसी बहाने एक दीन की तरफ, सिर्फ मतलब बैतुल्ला और रसूलुल्लाह के अलावा जो उनकी तालीमात है असल हम उनसे अटैच करना चाहते हैं। और ज़्यारत में हम उनको यही कहते हैं कि किसी पहाड़ का देखना ज़्यारत नहीं है, किसी जगह का देखना ज़्यारत नहीं है, बल्कि वहाँ देखकर हमको क्या सीखना है और कैसे हमारे ईमान में ताजगी हो वो समझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, ये हजियों की मोहब्बत है, और हर हजी जो आता है वो सब अपने अपने लेवल पर तहकीकात करने के बाद ही सेलेक्ट करते हैं ना। अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि इनके होटल करीब है, इनकी सर्विस अच्छी है, सबसे अच्छी फैसिलिटी औरंगाबाद से अपने घर से जाना, अपने घर पहुंचना है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बस यही है। और जो लोग हजी आ रहे हैं वो दुआएं भी दे रहे हैं, और वो दुआएं के असर भी दिख रहा है। देखिए आप, एक अपना ग्रुप यहाँ से जा रहा और वही फ्लैट से आ रहा, तो हमारी कोशिश यही है कि वही फ्लैट से आए, वही फ्लैट से रिटर्न जाए। अभी हमारा 18 तारीख को भी है ग्रुप यहाँ से, वो भी औरंगाबाद से रहेंगे इंशाल्लाह, 18 तारीख को है, फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में भी है। आप लोगों की दुआ कीजिए कि हम और इससे अच्छी सर्विस कैसे दे सकते, हमारी ये कोशिश है और इंशाल्लाह हमेशा ये कोशिश रहेगी। आज कितने लोगों का काफिला है? आज 50 लोगों का। आने वाले कितने लोग हैं? आने वाले 40 है। तो देखा आपने यहाँ पर सानी इंटरनेशनल के जो फीडबैक है वो किस तरीके से आए हैं। लास्ट टाइम भी देखा और हर बार हम देखते हैं कि सानी इंटरनेशनल से उमरा जाने वाले लोग जब वापस आते हैं तो वाकई में जो उनके साथ हुआ वो बताते हैं, और सभी ने इस बार भी यही कहा कि वो बहुत सेटिस्फाई है। और जैसे कि हमने वापस से देखा कि ग्रुप लीडर शकीन मौलाना हमारे साथ थे, उनसे भी हमने बात की, तो आइए देखते हैं सानी इंटरनेशनल का अगला काफिला कब यहाँ से रवाना होता है और आने वाला काफिला कब आता है। तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट।